नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ, આપની સાથે હું છું ઝરણા। શરૂઆતમાં વાત કરી અમિત શાહના મિશન ગુજરાતની, તો ગાંધીનગરમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહના પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ છે, ત્યારે અમિત શાહ વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે મહત્વની બેઠક યોજી રહ્યા છે। અમિત શાહ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાથે કમલમ ખાતે મહત્વની ચર્ચા કરી રહ્યા છે। આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને અનુલક્ષીને આ મહત્વની બેઠક મળી છે। આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી સુધી આ પ્રકારની બેઠકોનો દોર ચાલુ રહેશે। तो विधानसभा चूंटणी नजीक आवी रही है, तेम तेम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मुलाकातों दौर पण गुजरात खाते वधी रह्यो छे। त्यारे आजे अमित शाह गुजरात मुलाकात बीजो दिवस, त्यारे विधानसभा चूंटणी अंगे एक महत्वपूर्ण बैठक योजवामां आवी छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल साथे महत्वपूर्ण बैठक योजाई छे। अमित शाह की आ बैठक खूब ज महत्वनी एटला माटे पण रहेशे, कारण के भाजपनो आ वखते विधानसभा 2022 में 182 बैठक पर विजय मेळवानो लक्ष्यांक छे। त्यारे कोईपण जाति कचास न रही जाए अने तमामे तमाम सीट्स जेना पर भाजपे गत विधानसभा चूंटणी में एटले के 2017 में हारनो सामनो करवो पड्यो हतो, कि ज्यां पातळी सरसाई साथे जीतवानो वारो आव्यो हतो, तेवी तमाम बैठकों पर वधुमां वधु सरसाई मेळवे अने सारी लीड साथे जीत प्राप्त करे ते माटेनुं मंथन करवामां आवी रह्युं छे। तमामे तमाम जिल्लाओमां ज्यारे चूंटणी लईने एक तरफ रेलीओ योजवामां आवी रही छे, बीजी तरफ अलग अलग बैठकोनो दौर पण यथावत छे, त्यारे हवे आ बैठकोनो सिलसिलो पण वधी शके छे। कारण के जेम जेम चूंटणी नजीक आवी रही छे, तेम तेम दरेक पक्षो एडी चोटीनुं जोर लगावानुं पण शरू करी चूक्या छे। आ तरफ इलेक्शन कमिशन की पण बैठकोनो दौर वधी रह्यो छे। बीजी वखत इलेक्शन कमिशन द्वारा बैठक योजवामां आवी हती अने बे दिवसीय इलेक्शन कमिशन की पण गुजरात मुलाकात छे। आजे सांजे प्रेस कॉन्फरन्स पण करवामां आवशे इलेक्शन कमिशन द्वारा। त्यारे इलेक्शन कमिशन जे रीते गुजरात में एक्टिव थयुं छे, बीजी तरफ अमित शाह अने प्रधानमंत्री मोदीनी मुलाकातोनो दौर पण वधी रह्यो छे। लागी रह्युं छे के चूंटणी हवे खूब ज नजीक छे। वधु माहिती मेळवीए संवाददाता नवीन झा पासेथी। नवीन, अमित शाह की गुजरात मुलाकात, स्वाभाविक है कि शाह और मोदी की मुलाकातों सिलसिलो पण वधी रह्यो छे। विधानसभा चूंटणी जेम जेम नजीक आवी रही है, एक बैठक चाली रही है अमित शाह की अध्यक्षता में, जाणवा मांगे छे कई रणनीति ने लईने आ बैठक में चर्चा करवामां आवे तेवी शक्यताओ हाल जोवाई रही छे। जना बिल्कुल, जे रीते आजे बे दिवस प्रवासे छे गृहमंत्री अमित शाह, तो कमलम खाते तमने आ एक बैठक चालू थई छे, जे बैठक में प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल, सीएम भूपेन्द्र पटेल, आरोग्य मंत्री जे छे केंद्रना मनसुख मांडविया सहित नेताओ छे भाजप, एक अहम बैठक जे छे ते अत्यारे चालू छे। क्यांक ने क्यांक वात करिए तो जे रीते चूंटणी इलेक्शन जे छे इलेक्शन कमिशन द्वारा अने खास करीने हवे जे रोज बरोज जे अधिकारीओनी जे मीटिंगो थई रही छे इलेक्शन लक्षी अने त्यारबाद जे चूंटणी कमिश्नरो जेमने नियमावा आया छे ते लोको पण जे रोज बरोज जे मीटिंगो करी रह्या छे अने जे खास करीने जे रोज एमनी मीटिंगोनी अंदर जे नवा नवा जे मुद्दाओ छे तेनी चर्चा थई रही छे। तो कही शकाय कि आजे जे बैठक छे तेमां क्यांक ने क्यांक चूंटणीना अंदाज जरूरी देखाई रह्या छे। बीजी महत्वनी वात छे कि जे रीते इलेक्शन जे छे ते जाहेर पण टूंक समयमां करी देवामां एवा पण अंदाज देखाई रह्या छे, कारण के जे रीते सूत्रों कही रहा है और जी रीते सर्वे अंदर हो बधु डेमेज ना थे, कारण के जी रीते अत्यारे अन्य पक्षों जी रीते गुजरात की अंदर धामा नाखी रहे, खास कर आम आदमी पार्टी का सीएम डेप्यूटी सीएम थी लईने तमाम लोग जी रीते गुजरात की अंदर रोज बरोज जो सभाओं रेलीओ बैठक कर रहा है जेने लईने बधु डेमेज ना थाय तेने लईने पण कही शकाय के चूंटणी जाहेरात कर बात की नवाई नहीं, परंतु अत्यारे जे बैठक चाली रही है कई प्रकार सर्वे है, कारण के जे अलग अलग पार्टी द्वारा सर्वे करतु हो पुलिस नु एक आईबी नु एक सर्वे हो के सीटों क्या क्या नुकसान थी सके साथो साथ शाखा होना कार्यकर्ता द्वारा एक सर्वे करतु हो तो कई रीते सर्वे में जुड़े क्या प्रकार माहौल गुजरात में हाल है, कारण के मैं कीधु प्रमाण के अलग अलग पक्षों द्वारा खास कर कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी ने आ वक्त जी रीते तीजी पार्टी ए आम आदमी पार्टी जी रीते मैदान में उतरी है तो क्या क्या डेमेज न करे और कारण के सौराष्ट्र से अथवा तो सूरत बाजू डेमेज थी सके प्रकार एंधाण पर देखा है तो इन्हें रोकवा माटे डेमेज कंट्रोल करवा माटे क्यारे चूंटणी जाहिर थई शके अथवा शू फायदो थशे ए प्रकार तमाम जे रणनीति छे ते बनावामां आवी रही छे। जी बिल्कुल, आभार नवीन। तो आ तरफ राजकोट में विधानसभा